जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और कांग्रेस जो है वो सत्याग्रह कर रही है। जी हाँ, महात्मा गांधी के मार्ग पर चल के वो सत्याग्रह कर रही है। बापू वाटिका के समक्ष वो बैठी है और उनकी कहना है कि ईडी जो है वो बार बार झूठ मूठ का हैरस कर रहा है, परेशान कर रहा है सोनिया गांधी को, और जब तक सोनिया गांधी से पूछताछ चलेगा हम यहाँ बैठ के सत्याग्रह करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि समाज में इतनी कुरीति है, उन्हीं के सरकार, गठबंधन के सरकार के अंदर इतने सारे धोखाधड़ी हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफ़ी ध्वस्त नज़र आ रहा है, उसके लिए सतर्क न होकर सोनिया गांधी के लिए सत्याग्रह हो रहा है, जिनको बहुत सम्मान के साथ वो गाड़ी में जा रही है, पूछताछ ईडी वाले भी अपने मर्यादा में रहकर अच्छे से पूछताछ कर रहे हैं, फिर उनको भेज दे रहे हैं। यानी ईडी कहीं ना कहीं बहुत शालीनता से अपना काम करी है, उसके लिए भी कांग्रेस को थोड़ी प्रॉब्लम है। हम खुद सुनाते हैं, प्रवक्ता डॉक्टर तौसीफ ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, केंद्र सरकार के इशारे पे शीर्ष नेतृत्व को केवल परेशान करने का काम कर रही है। ईडी के पास बहुत सारे काम है लेकिन उन कामों पर उनका ध्यान नहीं है, केवल ये ध्यान है कि कांग्रेस नेतृत्व को किस तरह से परेशान किया जाए उस पर ध्यान है। इनका ये कहना है कि कांग्रेस को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। इन्हें समझना चाहिए कि इस देश को कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद करवाया था और इस देश में जो लोग हैं उनके पूर्वज इस देश की आज़ादी में शामिल थे, ये पूरे लोगों के डीएनए में कांग्रेस शामिल है, तो कभी भी कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नेस्नाबूद हो सकती है। उसकी वजह यह है कि ये लोग जिस तरह से यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति, ये देश के लोग इस तरह की राजनीति को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग कुछ दिनों के लिए ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन एक शेर मुझे याद आता है कि होबाबे बहर को देखो कि कैसा सर उठाता है, और तकब्बुर वो बुरी शय है कि फौरन टूट जाता है। जब बारिश होती है तो पानी का बुलबुला जो है एकदम बिल्कुल सा ऐसा उठता है जैसे उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुरंत वो टूट जाता है। तो ये सत्य के खुमार में, सत्य का जो खुमारी है और जो मदमस्त हो चुके हैं, ये बहुत जल्द इनकी खत्म हो जाएगा। और ईडी लगा लें, सीबीआई लगा लें, या चाहे जितनी भी एजेंसियां लगा लें, कहीं भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर आँच आने वाला नहीं है, चूँकि वो बेदाग हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, और इस देश के लिए उन लोगों ने कुर्बानियाँ दिया है। वही श्रीमती सोनिया गांधी हैं जिन्होंने इस देश के प्राइम मिनिस्टरशिप को ठुकरा दिया था, और सेंट्रल हॉल में ना जाने कितने जो जीत करके एमपीज गए थे उन लोगों ने दुहाई दिया, गुहार लगाते रहे कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। तो वो त्याग है, वो तपस्या है। उन्होंने अपने पति को खोया, अपनी सास को खोया, उन लोगों का एक बड़ा बलिदान है इस देश में। ये मक्कार लोग क्या बात करेंगे, मक्कारी करते हैं। ये आए थे महंगाई कम करने, ये आए थे नौकरी देने, रोजगार देने, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ लफाजी इन्होंने दिया, बतौलाबाजी दिया, उसके अलावा नौजवानों को कुछ भी नहीं दिया। इसके साथ ही आपने विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सारे लोग बैठे हुए सत्याग्रह कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर कहते हुए सुना है डॉक्टर तौसीफ कि सोनिया गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है ईडी सिर्फ और सिर्फ अपना काम करती है, और इस तरीके से हरकत, सत्याग्रह, ये सब करने से कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है सेंट्रल, उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि कभी भी हम बड़े लोगों पर अगर हम हाथ कैसे डालें भाई, क्योंकि इनको हाथ डालेंगे तो फिर सत्याग्रह हो जाएगा, अगर इन पर हाथ डालेंगे तो हमारे पीछे हमारे ईडी, अभी आपने रांची में देखा होगा ईडी कार्यालय के बाहर पे पूरा तोड़फोड़ की स्थिति आ गई थी, बैरिकेड्स लगाना पड़ा था, मतलब ईडी के पदाधिकारी अब सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, कहीं ना कहीं एजेंसी को डराने धमकाने का भी काम हो रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।